और लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रत्नाकर साहब के पास, एक बार फिर उनका रुख करूंगी। रत्नाकर साहब, कुशीनगर का ये पूरा मामला था आपने भी देखा होगा, सुना होगा, यहाँ पर पुल बनाने की मांग को लेकर जो ग्रामीण हैं बहिष्कार कर रहे थे मतदान का, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें चुनावों में हमें देखने के लिए मिलती है, पिछले चरणों में भी देखने के लिए मिली और आज भी दिखाई दे रही है। इससे ये समझ में आता है कि भले ही कागजी कार्रवाई कितनी भी कर ली गई हो, भले ही बढ़ चढ़कर ये बोला जाए कि हमने खूब विकास किया है, लेकिन ग्रामीणों को चाहिए कि उनके गांव का पूर्ण तरीके से विकास हो, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका नतीजा ये है कि तीन तीन चार चार घंटे तक मतदान नहीं हो पा रहा है, बहिष्कार क्यों हो रखा है? देखिए, आपने ये जो मुद्दा उठाया वास्तव में ये सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो विकास की तस्वीर होती है वो शहरों के आसपास ज्यादा नजर आती है जी। जो ग्रामीण अंचल हैं, आज बहुत सारे ग्रामीण अंचल आज भी तमाम मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। सड़कों की कमी है, कुछ पुलों की कमी है, कई खड़ंजे नहीं है, मवेशियों का चक्कर है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, समय पर उनका भी एक तकाजा होता है कि वो गाँव की समस्याओं का भी अवलोकन करें, जो वो बहुता नहीं करते हैं। उनका होता है कि परिक्रमा की जो एक परंपरा है कि नेतृत्व के अगल बगल परिक्रमा करके वो अपने चेहरे को तो पहचानवाते हैं, लेकिन जो क्षेत्र की में उनकी अपनी पहचान होती है या उनके जरिए उनके दल की पहचान होती है, या अगर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं तो उनके जरिए उस सरकार की पहचान होती है, वह कहीं ना कहीं संदिग्ध होती चली जाती है। अब ये जो पुल का मसला है, यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर होगा, तभी आज इस स्तर पर जो विवाद किया गया कि आज का विवाद कंप्लीट मीडिया कवरेज पाएगा और शायद हमारी आवाज उन जगहों तक पहुंच जाए। तो हमें यह देखना होगा, विकास विकास तो हुआ है, लेकिन जो कहा जाए कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, उस समय पहले बेलघाट गोरखपुर के ये दक्षिणांचल का इलाका है, वहां भी एक पुल का मसला था और कई विधानसभा चुनाव तक लगातार वो मसला ज्वलंत रहा। अंततः चुनाव के दौरान ही इसी प्रकार मतदान का बहिष्कार होने के बाद उस पर आश्वासन मिला और वो बाद में पुल बना। तो ये मतलब जो मतदान के जरिए एक महायज्ञ होता है लोकतंत्र का, उसमें भी अब हमारी मजबूरी होती है जनता की कि वो अपनी बात को सामने ले आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है रत्नाकर साहब कि आश्वासन दे दिया जाता है, वोट ले लिया जाता है, लेकिन फिर 5 साल ऐसे ही ग्रामीणों को गुजारने पड़ते हैं। इस बार भी आश्वासन दिया जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार? अगर इसीलिए लोगों को अपनी सीट बदलकर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। आपने अभी अभी आपने कुशीनगर के ही स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया था कि वो 3 बार रहने के बाद फिर इस बार फाजिलनगर चले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि हमने अपने जो वायदे किए हैं उन वायदों पर हम कितना पूरा उतर रहे हैं, कितना खरा उतर रहे हैं, तो उसका हमें जवाब देना होगा। और 5 साल इंतजार करती है जनता और फिर इंतजार करती है कि वो आए तो उनसे हम अपना हिसाब लें, क्योंकि 5 साल तो विधायक फिर खुदा हो जाता है, खुदा का वो बंदा हो जाता है, वो आम आदमी की पकड़ से बहुत दूर निकल जाता है। बिल्कुल रितेश साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं स्थानीय मुद्दों की, देखिए अगर हम इन 10 जिलों की बात करें तो स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जब जनसभाएं हो रही थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को, छुट्टा जानवर ये शब्द सबसे ज़्यादा हमने सुना है। छुट्टा जानवर को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बहस हो रही है कि आखिर छुट्टा जानवर जैसी समस्या इन 5 साल में क्यों दिखाई नहीं दी, अब क्यों चुनाव आते ही ये समस्या दिखाई दे रही है? रितेश जी, आवाज आ रही है मेरी? रितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। इंटीरियर में हूँ तो शायद मेरी आवाज की दिक्कत हो रही है। रितेश जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज आ जाएगी मुझ तक। तो शायद नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। रत्नाकर साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रत्नाकर साहब, छुट्टा जानवर ये शब्द हमने 6ठे चरण के चुनाव प्रचार में, 5वें चरण के चुनाव प्रचार में बहुत सुना है, 5 सालों में कहीं सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इन चरणों में जरूर सुनाई दे गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा कि 5 चरण या इस चुनाव के पहले छुट्टा जानवर नहीं शब्द नहीं सुनाई दे रहा था।
निश्चित तौर पर यह गांव के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी और इस पर बार बार बात उठती थी। छुट्टा जानवर रात भर किसानों को अपने अपने खेतों में जाकर रखवाली करनी पड़ती है, सोना पड़ता है, उसके बावजूद विवाद का एक एक घर बनता चला गया। और ये जैसे जैसे हम चुनाव के अंत में जा रहे हैं, अब ये पूर्वांचल का जो का इलाका आया, हमारे यहाँ नील गांव का आतंक बहुत दिनों से चल रहा था, है अभी भी चल रहा है। ये झुंड की झुंड चलती है और बुरी तरह से खेतों को तहस नहस करती है और अब उसमें छुट्टा जानवर जो गौवंशी पशु है उनका भी नाम जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर यह समस्या है और आने वाली कोई भी सरकार हो उसे इस पर एक निराकरण का और एक हल का सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, अगर इन इलाकों की हम बात करें तो यहाँ पर किसानों की भी समस्या लगातार बनी हुई है। जी हाँ। चाहे वो खाद खरीदना समस्या है, चाहे वो ऋण हाँ। से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो। जी देखिए, बिजली की जहां तक बात है, आपूर्ति में तो निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, लेकिन लेकिन किसान जो कि समय मौसम की मार झेलता है, किसान जो खाद बीज की किल्लत झेलता है, बाढ़ की समस्या भी बनी रहती है इन इलाकों में, बाढ़ की समस्या, ये इलाका बाढ़ का भी है। जी बाढ़ की समस्या है, तो किसान तो इस कदर परेशानियों के जंजाल में उलझा हुआ है कि आप गौर करिए कि बहुत तेजी से गांव से किसानी हटती चली जा रही है। लोग सड़कों के किनारे के खेतों को कॉलोनाइजर्स को दे दे रहे हैं, मकान बनवा ले रहे हैं, दुकान बनवा ले रहे हैं, किसानी जा रही है। अगर अगर किसान जो कि 85% भारत का नागरिक है, वो अगर किसानी से हटता है तो ये सरकारों का फेलियर माना जाएगा। किसानी बरकरार रहेगी तभी भारत, जो किसानों का देश कहा जाता था, अपना अस्तित्व बनाकर रख पाएगा। तो पूर्वांचल में सरकार का फेलियर दिखाई देता है? नहीं, मैं इसको सरकार के, ये शाश्वत समस्याएं हैं मैडम। जो समस्याएं दो तरह की होती है, एक होती है जो फौरी तौर पर आती है सामने और एक होती है जो शाश्वत है। बाढ़ की विभीषिका, सूखे की मार, असमनाएं, फसलों में रोग, ये सब शाश्वत समस्याएं हैं। लेकिन छुट्टा पशुओं का का खेत का चल जाना, नील गायों की समस्या, या खाद का न मिलना, या बिजली की अनुपलब्धता, या डीजल के दामों में भयंकर जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, और दुर्भाग्य देखिए इस समय जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, निश्चित तौर पर इसके बाद देखा जाए तो गोरखपुर के बाद जो कुशीनगर जिला है वो इस बार पूरा हॉट सीट बना हुआ है। जितने भी विधानसभाएं सारी हॉट सीट है। पिड्रौना को अगर देख लीजिए तो पिड्रौना का जिक्र लगातार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा आरपीएन सिंह, उनकी पारंपरिक सीट ये रही है, कांग्रेस में जीते, विधायक बने, लेकिन अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, बीजेपी का हाथ थाम लिया है, तो इस पे कितना असर पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए ऐसा होता है, राज पंडरौना के ये राजघराने से हैं बहु आरपीएम सिंह जी, और एक इन लोग का पूरा खानदान पॉलिटिक्स में रहा है आजादी के बाद से। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस को अचानक का इन्होंने छोड़ा, वो वहां की जनता को बहुत रास नहीं आया है, क्योंकि इनका एक अपना, जिसको एक चक्र कहते हैं, औरा कहते हैं भोजपुरी में, जो दिखाया जाता है कि ईश्वरी शक्ति के सर के चारों तरफ रहता है, एक प्रभामंडल जिसको कहते हैं, वो प्रभामंडल इन लोग का था। और एक कांग्रेस के मतलब वरिष्ठतम नेताओं में देश के अरबाब आरपीएन सिंह का नाम आता था। इनके इनके कांग्रेस छोड़ने के बाद से निश्चित तौर पर आरपीएन सिंह को एक नई आइडियोलॉजी के साथ में अपनी जो पहचान बनानी पड़ेगी, वो उनको थोड़ा सा कष्ट में डालेगी। कांग्रेस इसका फायदा नहीं ले पाएगी। कांग्रेस तो देखिए, जहां तक आप तो पूरे पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, हम लोग भी जिस स्तर पर देख रहे हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी का टोटल कंपेन, ये विधानसभा चुनाव में जरूर कंपेनिंग चल रही है, लेकिन वो जो एकदम धूल धूसरित हो चुकी थी यह पार्टी, उसको एक नए तरीके से वो खड़ा करके और अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी की कर रही है। इसलिए उनको तो आप
कहीं भी प्रभाव और प्रभावहीन और प्रभावशाली दोनों मुद्दे से किनारे रखकर बात करिए। एक आध दो चार सीट पांच सीट मान लीजिए उनके प्रभाव क्षेत्र का होगा, लेकिन लड़ाई तो मुख्यतः भाजपा गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन की है। तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इस चुनाव में हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। उपेंद्र जी हो, जयप्रकाश अचल जी हो, जयप्रताप सिंह हो, कौशल किशोर हो, सूर्य प्रताप शाही हो, अवधेश द्विवेदी हो, या इसके अलावा विनय शंकर तिवारी हो, राम भुवाल निषाद हो, ये बड़े चेहरे हैं। और देखा जाए तो इस बार पूर्वांचल में दागी और बागी खूब चेहरे हैं। दागी और बागियों का जो वर्चस्व है वो भी पूर्वांचल में लगातार देखने के लिए मिलता है। 2022 में और आज छठे चरण में हम इसे किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, चुनाव को भाजपा ने एक बहुत ही कुशल रणनीति के साथ राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद के बीच में लाकर फंसा दिया है। उन्होंने बड़ी मतलब जिसको कहा जाए कि एक परिपक्व जो राजनीतिक सोच होती है उसके आधार पर उनके सपा के गलियारे में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। हाँ, यह भी सच है कि इस बार जो अखिलेश यादव है उन्होंने भी एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है जरूर, और वो इस बार हर बार की तरह से भाजपा के फेंके जाल में कहीं नहीं फंसे। उन्होंने अपना प्रचार तंत्र रखा और शायद इसीलिए वो सरकार इस लड़ाई में बने हुए हैं। और देखिए, अब मतदाताओं के मन को पड़पाना बहुत आसान नहीं है। अब मतदाता इस बात को जान चुका है, वो रोज अपने गांव में देश के सारे टीवी चैनल्स को देखता है, उसके पास संचार के सारे माध्यम है, तो वो जान चुका है कि हम अगर एक पक्ष बोल देंगे तो कल को हम पॉइंटेड हो जाएंगे। लेकिन एक रुझान जरूर देखा जाता है, तो रुझान में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मुद्दे, बाहुबलियों का मुद्दा देखिए शुरू से रहा है और धन बलियों का भी मुद्दा रहा है, दल बदलुओं का भी मुद्दा हमेशा रहा है, तमाम कानून बने तो अब चुनाव के ठीक पूर्व हमको यहाँ से टिकट नहीं मिला तो हम वहां से टिकट लग गए, हमें बसपा से नहीं मिला तो हम सपा से लग गए, सपा से नहीं मिला तो हम भाजपा में ट्राई किए। तो ये मुद्दे प्रभावित तो करते हैं और कोई भी जनता दल बाहुबली को पसंद नहीं करती है, जहां तक मेरी पत्रकारिता का अनुभव है। ठीक है, आखिरी सवाल, लालजी वर्मा हो, राम गोविंद चौधरी हो या फिर माता प्रसाद पांडे हो, तीनों ही बड़े चेहरे सपा से इस बार मैदान में हैं। जी, तो ये जो तीनों बड़े चेहरे हैं मैदान में बने हुए हैं, मजबूती दिखाई देती है, लेकिन 2017 में जैसा क्लीन बोल्ड हुआ था सपा का, 2022 में लेकिन उभरती हुई नजर आ रही है, ये जो बड़े चेहरे हैं दम रखते हैं इस बार भी? जी बिल्कुल दम रखते हैं। मैंने आपसे कहा जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आती है तो नरेंद्र मोदी का एक फैक्टर चलता है, और जो 2017 के चुनाव में हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है क्योंकि उस समय भाजपा ने चुनाव लड़ा था तो उनका चेहरा नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा उन्होंने दिया नहीं था, आप मानते हैं मेरी बात को। अब की बार चुनाव जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी का फैक्टर तो केंद्र का है लेकिन योगी आदित्यनाथ के 5 सालों के कामकाज को लेकर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार के काम से कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग ना खुश होंगे। सपा जो मूलतः ब्राह्मण खेमे से दूरी बनाकर रखती थी, इस चुनाव में उसने भी एक कोई मतलब कहा जाए एक होशियारी से इसको ब्राह्मण वर्सेस राजपूत या यूं कहें राजपूत वर्सेस रिस्ट करने का एक प्रयास किया है। जबकि हम लोग इस बात को गोरखपुर में रहते हुए और आ, 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 योगी आदित्यनाथ के आने के बहुत पहले से मंदिर की राजनीति को देखा जा रहा है, तो मैंने बार बार कहा कि ये आस्था का केंद्र रहा है, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में चुनाव लड़ना भाजपा के लिए प्लस बन रहा है, लेकिन यही गोरखपुर की ही लगभग 2 से 3 सीटों पर इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सपा गठबंधन आराम से सीट निकाल सकता है। ठीक है रत्नाकर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बखूबी अंदाज में समझाने के लिए। आज छठे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, 57 सीटें, 10 जिले, 676 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसको लेकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की भी चुनावी कवरेज लगातार बरकरार है। फिलहाल